प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 22 से कंटिन्यू करेंगे। लेट ए एंड बी आर टू इंटीजर्स इफ देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स एक्स एंड वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू वन देन जीसीडी ऑफ ए बी। तो ये ध्यान रखना है, दो इंटीजर्स ए बी इन्हें हम कहेंगे रिलेटिवली प्राइम। कब? अगर जीसीडी ऑफ ए बी हो 1 और अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है, सेटिस्फाई करती है, तो एक और कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दो इंटीजर्स एक्स और वाई कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे कि हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू वन। राइट नाउ अगर ये कंडीशन ट्रू है देन ये भी ट्रू होगा, और अगर ये ट्रू है देन ये भी ट्रू होगा। राइट नाउ क्वेश्चन में गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू वन, दैट मीन्स जीसीडी ऑफ ए बी इज 1, सो ऑप्शन ए आ जाएगा। लेट डी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी देन लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी हैज अ सॉल्यूशन इफ। सो इस फॉर्म की जो इक्वेशंस होंगी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इनको हम कहेंगे डायोफेंटाइन इक्वेशन। राइट सो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे डायोफेंटस, उन्होंने फर्स्ट टाइम इस टाइप की इक्वेशन को लर्न किया है, तो उन्हीं के नाम पे इनको हम कहते हैं डायोफेंटाइन इक्वेशन। नाउ इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा कब? जब डी डिवाइड करेगा सी को। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हेन डी डिवाइड्स सी। Which one of the following Diophantine equation has no solution? तो previous question में हमने discuss किया Diophantine equation AX plus BY equal to C है, और इसका solution होगा कब? जब D divide करेगा C को। D क्या है? GCD of A and B। Now option 1 है, तो इसमें हम A और B का GCD निकालेंगे, A होगा 6 और B होगा 30। So GCD of 6 and 30, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 6 और 30 दोनों को डिवाइड करे तो वो होगा 6। तो जीसीडी ऑफ 6 एंड 30 हो जाएगा 6। अब हमें देखना है 6 डिवाइड करेगा 18 को या नहीं। यस डिवाइड करेगा, तो ये जो डायोफेंटाइन इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब सेकंड चेक करेंगे तो यहां पर A3 है B15 है, सो जीसीडी ऑफ 3 एंड 15 निकालेंगे। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें चेक करना है जो 3 और 15 दोनों को डिवाइड करे, तो वो आ जाएगा 3। तो जीसीडी ऑफ 3 एंड 15 इज 3। अब यहां पर चेक करेंगे 3 8 को डिवाइड करेगा या नहीं, सो 3 8 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी का सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। आप सी और डी इक्वेशन को चेक करना इसी तरह से, तो सी और डी का जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा। If x0, y0 is a solution of Diophantine equation ax plus by equal to c and d equal to gcd of ab, then other solutions are given by, right? तो ये Diophantine equation है ax plus by equals to c, इसका एक solution है x0, y0, right? x को x0 से replace कर सकते हैं, y को y0 से replace कर सकते हैं, तो ये equation satisfy होगी, clear है? तो इसके जो दूसरे solutions होंगे वो किस form में होंगे हमें ये बताना है। तो यहां पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, x इक्वल टू x0 प्लस b बाय d इनटू t एंड y इक्वल टू y0 माइनस a बाय d इनटू t। t यहां पर कोई भी इंटीजर हो सकता है। p इज अ प्राइम एंड p डिवाइड्स ab वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, देन नाउ p प्राइम है एंड p डिवाइड्स ab, दैट मींस p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b, तो राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन b। यहां पर एंड नहीं आएगा और आएगा। Which one of the following is incorrect? So A congruent to B mod n. देखने में थोड़ा सा complicated लग रहा है, लेकिन इसका meaning बहुत simple है। इसका meaning होगा A minus B को n divide करेगा। A minus B is divisible by n, right? Option A देखते हैं, 28 is congruent to 10 mod 6. So 28 minus 10 करेंगे और ये आ जाएगा 18. Now 6 डिवाइड करेगा 18 को, यस yes, तो ये तो पॉसिबल है। सेकंड देखते हैं, 4 माइनस 7 तो ये हो जाएगा माइनस 3 और यहां पर है 3, सो 3 डिवाइड करेगा माइनस 3 को, ये भी पॉसिबल है, ये भी करेक्ट हो गया। नाउ 17 माइनस 17 तो ये आ जाएगा 0, सो 5 डिवाइड करेगा 0 को, ये भी करेक्ट है। 0 को सभी इंटीजर्स डिवाइड करते हैं, राइट? जैसे अगर 0 अपॉन 5 लिखें तो ये आ जाएगा 0, तो 0 को सभी इंटीजर डिवाइड करेंगे। डी ऑप्शन देखते हैं, 8 माइनस 13 इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 5,
और यहां पर 2 है तो 2 डिवाइड करेगा माइनस 5 को, नहीं ये पॉसिबल नहीं होगा, तो इनकरेक्ट आ जाएगा ऑप्शन डी। लेट ए बी सी एन आर इंटीजर्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो एक बात और ध्यान रखेंगे, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, ये जो रिलेशन है ये होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। नाउ ऑप्शन ए में है ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन, तो ये करेक्ट होगा और ये प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी में है इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन देन उसका कन्वर्स भी ट्रू है, बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन, तो ये भी करेक्ट है और इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी में है ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन एंड बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एन देन ए कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एन, राइट, ए कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एन, तो ये भी करेक्ट है और इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो सही ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दी अबव। और ये ध्यान रखना है a congruent to b mod n, ये जो रिलेशन है ये है इक्विवेलेंस रिलेशन। लेट a इज congruent टू b mod n एंड c इज congruent टू d mod n, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सो a प्लस c इज congruent टू b प्लस d mod n, ये करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली माइनस के लिए भी करेक्ट होगा, a माइनस c इज congruent टू b माइनस d mod n, ये भी करेक्ट होगा। मल्टीप्लीकेशन के लिए भी करेक्ट होगा, a इंटू सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b इंटू d mod n, बट डिवीजन के लिए करेक्ट नहीं होगा। सो इनकरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन d, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज यहां पर लिखा है 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 1 एंड 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 1, तो इनको हम ऐड भी कर सकते हैं, 4 और 7 हो जाएगा 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड 1, ऐसे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेट a b n आर एनी इंटीजर्स एंड k बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n इंप्लाइज दैट a टू द पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b टू द पावर k मॉड n, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज 8 is congruent to 4 mod 2 है, 8 minus 4 करेंगे 4 आएगा and 4 is divisible by 2, so यहां से हम लिख सकते हैं 8 to the power, power कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी positive integer, suppose 10 लिया, so 8 to the power 10 is congruent to 4 to the power 10 mod 2, ऐसे हम लिख सकते हैं, तो statement 1 आएगा correct। statement 2 देखते हैं, 8 to the power k is congruent to b to the power k mod n, This implies A is congruent to B mod n, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 स्क्वायर मॉड 3 है, और ये करेक्ट है, 5 स्क्वायर होगा 25, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, 25 माइनस 16 होगा 9 एंड 9 इज डिविजिबल बाई 3, लेकिन यहां से अगर हम पावर्स को हटाएंगे सो 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 3, और ये करेक्ट नहीं होगा, राइट, क्योंकि 5 माइनस 4 करेंगे 1 आएगा एंड 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो ये करेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो ऑप्शन आ जाएगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 41 टू द पावर 60 इज डिवाइडेड बाय 7, तो इंटरेस्टिंग है लेकिन आसान भी बहुत है। सॉल्व करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है, अगर सपोज 7 डिवाइड करेगा 23 माइनस 2 को, राइट, क्योंकि 23 माइनस 2 हो जाएगा 21 और 21 डिविजिबल है 7 से, राइट, तो इसका मतलब है अगर हम 21 में 7 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। क्लियर है? और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करेंगे 41 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉड 7, राइट, 41 में अगर हम माइनस करेंगे माइनस 1 को तो आ जाएगा 42 एंड 42 इज डिविजिबल बाय 7, तो ये करेक्ट हो गया। अब यहां पर पावर हम कुछ भी रेस कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, तो 41 टू द पावर 60 रेस कर लेते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 टू द पावर 60 मॉड 7। नाउ 41 टू द पावर 60 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 टू द पावर 60, 60 इवन है तो ये 1 हो जाएगा, राइट, माइनस 1 टू द पावर अगर इवन है तो 1 होता है और यहां पर आ जाएगा मॉड 7, राइट।
अब इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज 41 टू द पावर 60 माइनस 1, ये डिविजिबल हो जाएगा 7 से, तो ऐसे लिखेंगे, क्लियर है। अब इसको आप कंपेयर कर लो यहां पर, राइट। अगर 7 डिवाइड करेगा 23 माइनस 2 को तो रिमाइंडर आएगा 2, और ऐसे यहां पर भी अगर 7 डिवाइड करता है 41 टू द पावर 60 माइनस 1 को, तो अगर हम 41 टू द पावर 60 को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर आएगा 1, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन देन, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ध्यान रखना है, जीसीडी ऑफ ए एन इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी एन। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन वन एंड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन टू, दिस इंप्लाइज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन। तो ये जो रिजल्ट है ये ट्रू होगा कब, जब एन इक्वल टू होगा एलसीएम ऑफ एन वन एंड एन टू, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। डी इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ ए एन देन द लीनियर कॉन्ग्रुएंस ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन हैज अ सॉल्यूशन इफ, तो ये एक इक्वेशन की तरह बिहेव करेगा, ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, और एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। नाउ इसका सॉल्यूशन होगा कब, अगर डी डिवाइड करे बी को, सो ऑप्शन सी आ जाएगा, इफ डी डिवाइड्स बी, और डी क्या है जीसीडी ऑफ ए एंड एन, ध्यान रखना है जीसीडी ऑफ ए एंड एन। क्वेश्चन नंबर 35, नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ 35x इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 मॉड 21, तो ये जो कॉन्ग्रुएंस है इसके कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे ये फाइंड आउट करना है, तो बहुत ही सिंपल है, उसके लिए हम क्या निकालना होगा जीसीडी ऑफ 35 एंड 21। नाउ जीसीडी ऑफ 35 21 मतलब वो इंटीजर या वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो दोनों को डिवाइड करे, तो वो आ जाएगा 7। नाउ जीसीडी ऑफ 35 एंड 21 इज 7, तो ये जो कॉन्ग्रुएंस है या ये जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है इसके कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे 7। तो कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कितने होंगे ये बताना बहुत ही आसान है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंस हैज यूनिक इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, तो यहां पर कुछ कॉन्ग्रुएंस गिवन है, हमें वो कॉन्ग्रुएंस को चूज करना है जिसके जिसका एक ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन हो, तो बहुत ही सिंपल है, जैसे फर्स्ट को चेक करेंगे तो उसके लिए जीसीडी ऑफ 8 एंड 24 निकालेंगे, ये आएगा 8, दैट मींस इसके 8 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे, तो ये आंसर नहीं होगा, हमें यूनिक चाहिए ओनली वन। सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे जीसीडी ऑफ 20 एंड 15, ये आ जाएगा 5, तो ये भी आंसर नहीं होगा। जीसीडी ऑफ ऑप्शन 3 है 12 एंड 2, राइट, सो यहां पर आ जाएगा 2, तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसके दो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। ऑप्शन डी देखेंगे जीसीडी ऑफ 15 एंड 8, सो 15 और 8 कैंसल नहीं होंगे, मतलब इनका कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका जीसीडी आ जाएगा 1, राइट, तो जो ऑप्शन डी है उसमें एक ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होगा, मतलब के यूनिक इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होगा, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 5x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 3, सो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, 5x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 3। नाउ यहां पर लिखेंगे 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 3, यहां पर जो भी नंबर रहेगा, यहां 3 है तो यहां पर भी 3 आ जाएगा, और ये भी करेक्ट है, देखो 0 में अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा माइनस 3, और माइनस 3 डिविजिबल है 3 से, और अभी हमें इनको ऐड कर लेना है, तो ये आ जाएगा 5x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 प्लस 2 5 मॉड 3। नाउ यहां पर 5 5 से डिवाइड हो गया या कैंसिल हो गया, कुछ भी कह सकते हैं, सो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू आर मॉड एन एंड सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू एस मॉड एन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन मॉड्यूलो एन इफ, तो जैसे दो इक्वेशंस होती हैं तो उनका सिस्टम होता है, वैसे यहां पर दो कॉन्ग्रुएंस हैं, तो ये भी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन की तरह बिहेव करेंगे। नाउ इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा कब, तो इसकी कंडीशन है अगर जीसीडी ऑफ ए डी माइनस बी सी एंड एन इज 1, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो यहां पर ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लेबनीज थ्योरम सीरीज एक्सपेंशन एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स,
आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन।